नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल टेक्नोलॉजी देवेश। दोस्तों, आज के इस विषय में हम आपको बताएंगे कि आप फ्री के अंदर वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, फ्री की होस्टिंग कैसे यूज़ कर सकते हैं और फ्री का SSL कैसे लगा सकते हैं। इन सब विषयों के बारे में आज हमारा वीडियो है और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको पूरा देखिएगा तभी आप इसके अंदर समझ पाएंगे कि आप इसके अंदर फ्री में अपनी वेबसाइट को कैसे रन कर सकते हैं और कैसे अपनी होस्टिंग ले सकते हैं। तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए हम अपने डेस्कटॉप पे ले चलते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में नीचे बेल आइकन भी दिया हुआ है तो उसको बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरीके से सीख सके। तो चलिए अपने सिस्टम पर चलते हैं। चलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप फ्री के अंदर डोमेन नेम ले सकते हैं और होस्टिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो साइट है freenom.com। ये मैंने पहले से ही अपना इसके ऊपर एक डोमेन नेम लिया हुआ है और मैं लॉगिन किया हुआ इसी के ऊपर। मैं आपको दूसरा डोमेन नेम लेके बताता हूँ। जैसे कि मैं इसके ऊपर लेता हूँ टेक्नो देवेश। देखिए, मैं इसको यहाँ पर सर डालता हूँ। आपको जो भी नाम आपको लेना है आप यहाँ पर फीड कीजिएगा और चेक अवेलेबिलिटी के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा लेगा चेक होने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास ये आ चुके हैं। टी के भी अवेलेबल है, ML GA CF GQ, और ये कुछ पेड डोमेन्स हैं जैसे .com, .net, .org, info, .eu, .nl। इस पे भी आप इसमें डॉलर से अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से लेके आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आज आपको दोस्तों फ्री वाला बताऊंगा, फ्री में आप किसको कैसे ले सकते हैं। मैं ML का बता रहा हूँ आपको, technodevesh.ml। यहाँ पर आप गेट इट नाउ पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका ग्रीन हो गया है और यहाँ पर चेकआउट का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे ही आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। ये आ गया कि technodevesh.ml जो है हम खरीद रहे हैं और ये हम कितने महीने के लिए खरीद रहे हैं। ये 3 मंथ्स है तो यहाँ पर आप 12 मंथ्स कर लीजिएगा और यहाँ पर यूज़ DNS को पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर यूज़ फ्री DNS सर्विसेज। हम इसकी DNS यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम फ्री नोम से होस्टिंग नहीं ले रहे हैं, हम होस्टिंग लेंगे अदर वेबसाइट से। तो यहाँ पर यूज़ योर ऑन DNS, तो यहाँ पर आप डालिएगा NS1, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप यही डालीजिएगा, byetbyte.org। ये देखिए, इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन के अंदर भी आप डालीजिएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा 2byet.org और NS2byet.org। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ दोस्तों। मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फाइल बना ली थी, ये देखिए ns1.byet.org। यही मैंने यहाँ पर आपको ns1.byet.org, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमने अगर ये डाल देते हैं, उससे पहले हम यहाँ पर इसको करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद हमसे ये यहाँ पर बोल रहा है कि डोमेन नेम आपका ये है, डोमेन रजिस्ट्रेशन technodevesh.ml, ये आपका 0 डॉलर का है जो हमें पे करना है। यहाँ पर मैंने अपनी कुछ डिटेल फिल की हुई है तो यहाँ पर इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। आपके सामने फॉर्म आएगा तो देखिए दोस्तों, ये मेरा ऑर्डर जो है कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू, ये ऑर्डर वी रिसीव ईमेल शॉर्टली, ये ऑर्डर नंबर इतना आ गया है। और जब आप इसको करेंगे तो दोस्तों, जब आपके पास मेल के ऊपर कन्फर्मेशन आएगा, अभी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मेरे पास शो नहीं हो रहा है। आपके पास मेल पे कन्फर्मेशन आएगा, आप उसको मेल पे कन्फर्मेशन दे दीजिएगा। तो यहाँ से मैं अपने क्लाइंट एरिया के अंदर जा रहा हूँ तो ये देखिए, यहाँ पर सर्विसेज के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई डोमेन्स, तो देखिए दोस्तों मेरे पास टेक्नोलॉजी देवेश डॉट एम एल पहले से था और आज मैंने आपके सामने टेक्नो देवेश डॉट एम एल के नाम से एक डोमेन परचेज किया है जो कि 6/7/2019 को परचेज किया और 6/7/2020 को ही एक्सपायर होगा।
ये जो स्टेटस है एक्टिव हो चुका है, और देखिए फ्री में डोमेन नेम है। अब मैनेज डोमेन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ देखिए मैनेजमेंट टूल्स, और अगर आपको नेम सर्वर से जैसे चेंज करना है, अभी हम फिलहाल इसको देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया है 3 4 5, आप यहाँ भी इनको नेम सर्विसेज डाल सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब हमें होस्टिंग परचेज करनी है, तो होस्टिंग हम कहाँ से लेंगे, इन्फिनिटी इन्फिनिटी फ्री डॉट नेट, इसके ऊपर आप जब साइन अप करेंगे, साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, टर्म्स कंडीशन को एग्री करेंगे और रोबोट पे क्लिक करके साइन अप कर लेंगे। तो आपके पास मेल पे एक ईमेल जाएगा वेरीफाई के लिए, आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप वेरीफाई कर लेंगे, तो आपका ये अंदर जो आपका डैशबोर्ड है इन्फिनिटी का, उस डैशबोर्ड के अंदर आपको ले जाएगा। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं इसको लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं जिससे हमने ये रजिस्टर्ड किया हुआ है। अब इसको हम साइन इन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपना जो हमने ये डोमेन नेम परचेज किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो डोमेन नेम हमने परचेज किया था, इसको हमें यहाँ पर ऐड कराना है अपनी होस्टिंग में। तो यहाँ पर हम न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसको ऑटोमेटिक ही रहने देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये अपने आप लेगा। और यहाँ पर इसको कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी होस्टिंग जो है परचेज हो चुकी है वेबसाइट पर टेक्नो देवेश डॉट एम एल के नाम से। अब यहाँ पर हम व्यू एरिया, क्लाइंट एरिया के अंदर जाएंगे। ये देखिए हमारा योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, और ये हमें होस्टिंग जो है 1 साल के लिए मिली है। ये हमारा एफटीपी की डिटेल्स है, आप यहाँ पर शो पे क्लिक करके अपना एफटीपी का पासवर्ड वगैरह ले सकते हैं। एफटीपी के थ्रू, क्यूट एफटीपी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके थ्रू आप जब डालेंगे, तो आपका पासवर्ड, एफटीपी होस्ट नेम और पोर्ट आपको पूछेगा। तो ये आप सब अपना डाल के अपना एफटीपी को यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका पेंडिंग क्रिएशन सारा है, स्टेटस जो है और पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं, पेंडिंग आएगा वो बाद में आपका क्लियर हो जाएगा, उसको टेंशन ना लीजिएगा। जैसे ही शो करेंगे तो आपका पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर जैसे जाएंगे, सेंड योर ईमेल आएगा आपके पास, इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको अप्रूव कर दीजिएगा। थैंक्स, द पैनल विल नाउ लोड। तो ये देखिए हम इस अपने पैनल के अंदर ऐड हो चुके हैं। ये हमारा होस्टिंग का जो सी पैनल होता है, जो आप एक गो डैडी या ब्लू होस्ट वगैरह से आप पैनल परचेज करते हैं, तो उसमें आपको सी पैनल मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये सी पैनल आ चुका है। अब यहाँ पर आपको वर्ड प्रेस या फिर और कोई जुमला या और कोई वेबसाइट के जो, जिससे आप आसानी से बिना कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वो आप किस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे, तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल से हमें यहाँ SSL भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। और SSL जो है सर्टिफिकेट, आपकी जो वेबसाइट है, आप अगर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको वेबसाइट को, दोस्तों जब आप अपने सी पैनल के अंदर चले जाएंगे, आपको अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे और सॉफ्टक्लूज ऐप इंस्टॉलर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आप ये देखें, यहाँ पर आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। वर्डप्रेस हो गया, एबनिटी कार्ड हो गया, प्रेस्टाशॉप हो गया, जूमला हो गया, PHPP हो गया, ये बहुत सारे आपके सामने ऑप्शंस आ गए हैं और आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे करेंगे, तो आप इंस्टॉल नाउ इसको वर्डप्रेस को आप कर सकते हैं। उसका यूज़र आईडी पासवर्ड भी आप आ सकता है, और ये आपका जो एक फ्री में वेबसाइट आप इस चीज से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही चीज़ सीखा कि आप इस डोमेन नेम आप फ्री में कैसे ले सकते हैं। डोमेन नेम हमने आपको लेके दिखाया, जो कि हमारा डोमेन जो है वो एक्टिव भी है, और
इस तरीके से हमारा एक्टिव भी हो चुका है, फ्री के अंदर 1 साल हमने चलाया है। और अगर हम आप चाहते हो कि इसको आप नेक्स्ट 2020 के बाद भी अगर आप फ्री में चलाओ, तो आप इसको फ्री में फिर दोबारा से आप इसको परचेज कर सकते हो। यानी इस वेबसाइट को आप, अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो आप इस वेबसाइट को साल 2 साल फ्री में चला सकते हो। यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सीख रहे होते हैं और सीखते हैं वो कि भाई हम वेबसाइट कैसे बनाएं, डेवलपमेंट कैसे करें बिना पैसा लगाए, हम अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपना बिना पैसा लगाए, बिना 1 रुपया खर्च करें, आप फ्री में यहाँ से वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, फ्री में होस्टिंग ले सकते हैं, फ्री में डोमेन नेम ले सकते हैं, फ्री में SSL ले सकते हैं। दोस्तों अगली जो वीडियो होगी वो मेरे SSL के ऊपर होगी, उसको भी मैं बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट के ऊपर, इस डोमेन के ऊपर SSL कैसे लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये technodevesh.ml मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, इसके ऊपर मैंने SSL लिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं अपना ये वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई थी और लेकिन अभी मेरा इनकम्प्लीट है, इसको मैं कंप्लीट करूँगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने HTTPS लिया हुआ है और ये सिक्योर है, देखिए कनेक्शन इज सिक्योर, ये भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हुआ है। वैलिडिटी के आप जाएंगे तो देखिए 14/6/2019 को मैंने लिया था और 13/6/2020 तक मेरा वैलिड है, तो ये भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है, इसका मैंने 1 भी रुपया पे नहीं किया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक आप इसको सीखें और घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना के अपनी अर्निंग को चालू करें। दोस्तों एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ इस वीडियो को विराम देने से पहले, कि अगर आपने टेक्नोलॉजी देवेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी प्रकार आप मेरे वीडियोस को वॉच करते रहें और देखते रहें और सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं और नए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं। नमस्कार।